हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिप्नोई। बीएससी सेकेंड ईयर का ये आपका कोर डेटा का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर हम डिप्नोई की बात करें तो सबसे पहले इसके वर्ड्स को एक्सप्लेन करते हैं। डाई मतलब टू, पिप्नोई मीन्स ब्रीथिंग। मतलब क्या है इसका, जिसमें टू ऑर्गन से ब्रीथिंग होती है, टू ऑर्गन होते हैं ब्रीथिंग के, तो उन्हें क्या कहते हैं, डिप्नोई कहते हैं जिन एनिमल्स में। अगर इनके जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले नॉर्मल क्या है, कॉमनली किसमें प्रेजेंट होते हैं डिप्नोई, किसको कहते हैं, लंग्स फिश को कहते हैं, लंग फिश को कहते हैं। फिशेज जो हैं एक्वेटिक एनिमल्स है और इनमें स्केल्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी पर। सम फिशेज ऐसी होती हैं जिनमें गिल्स के अलावा लंग्स से भी रेस्पिरेशन होता है। डिप्नोई की बात हो रही है, उसमें अभी बताया है कि इसमें दो ब्रीथिंग ऑर्गन्स होते हैं। तो इसमें क्या है, कुछ फिशेज में ऐसा होता है जिनमें गिल्स के अलावा लंग्स से भी रेस्पिरेशन होता है, तो वो डिप्नोई कहलाती हैं। डिप्नोई वो ग्रुप है जिसमें टू ब्रीथिंग ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, इनमें जनरली लंग फिश इंक्लूड है। लंग फिश में क्योंकि दो ब्रीथिंग ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, तो डिप्नोई का अगर एग्जांपल की बात की जाए तो कौन है, लंग फिश है। इन फिशेज में टू टाइप के एक्सटर्नल और इंटरनल नेरिस प्रेजेंट होते हैं। ये नेरिस बाहर की डस्ट और अदर पार्टिकल्स को बॉडी के अंदर जाने से रोकते हैं, ठीक है, ये प्रोटेक्शन का कार्य करते हैं और ये भी ब्रीथिंग सिस्टम का काम करते हैं। इसलिए इन फिशेज को क्या कहते हैं, डिप्नोई फिशेज कहते हैं। डिप्नोई फिशेज और जो डिप्नोई है वो फिशेज और एम्फीबियंस के बीच का एनिमल्स है, ठीक है। इसमें क्योंकि सबसे पहले फिशेज आई, फिर डिप्नोई आया, फिर एम्फीबियंस आए, तो अगर बात की जाए उसकी फिशेज से भी समानताएं हैं और एम्फीबियंस से भी समानता है। लेकिन इसे इन दोनों में ना रख के भाई इसको जब ये इसके जैसा आया फिशेज है तो इसमें फिशेज के ग्रुप में भी रख सकते थे, फिशेज में या फिर एम्फीबियंस में। लेकिन नहीं, कुछ इनसे इसकी क्या थी, कुछ डिफ्रेंसिएशन भी है, कुछ इनसे अलग भी है, तो इसलिए इसके अलग उसमें ग्रुप में रखा गया जिसको क्या कहा गया, डिप्नोई कहा गया। अगर डिप्नोई की बात की जाए तो इसका ओरिजिन कब हुआ था, मिडल डिवोनियन पीरियड में हुआ था। इसके बाद टेरेसिक और परमेन पीरियड्स में क्या हुए, एक तरीके से इनका इंक्रीज होना या फिर ये संख्या में बढ़ने स्टार्ट हो गए, फोलेरिस्ड होने स्टार्ट हो गए। अगर इनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए, फिलहाल इनके ओनली थ्री क्या है जीनस प्रेजेंट है, एक तो लेपिडोसेरीन, दूसरा प्रोटोपटेरस और नियोसेरोटोडस। अगर लेपिडोसेरीन की बात की जाए तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, साउथ अमेरिकन फिश है ये। अगर प्रोटोपटेरस की बात की जाए तो ये साउथ अफ्रीकन फिश है, और नियोसेरीटोडस बात की जाए तो ये ऑस्ट्रेलियन फिश है। ये ओनली, ऐसा नहीं है कि ये पूरे वर्ल्ड में या हर जगह प्रेजेंट होती हैं, और ये ओनली लेपिडोपटेरस अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, प्रोटोपटेरस जो है आपकी वो साउथ अफ्रीका में, और नियोसेरीटोडस जो है वो ऑस्ट्रेलिया में प्रेजेंट होती है। अगर इनकी एफिनिटीज की बात की जाए तो मैंने अभी बताया है क्या है, ये फिशेज की और एम्फीबियंस के बीच की कड़ी है एक तरीके से। तो क्या है, अगर इनकी समानताएं देखी जाए, एफिनिटीज देखी जाए, तो फिशेज में अगर बात की जाए तो फिशेज में क्या है, फिशेज की बॉडी कैसी होती है, स्पाइंडल शेप होती है और स्टेम लाइन होती है, तो इनकी बॉडी भी स्पाइंडल शेप होती है, ठीक है। लोकोमोशन फिन्स के द्वारा होता है, तो डिप्नोई में भी फिन्स के द्वारा होता है। बॉडी किससे कवर्ड रहती है, साइकॉल जो ये होते हैं, साइकॉल्स जो स्केल्स होते हैं तो उनसे ये कवर्ड रहती है, ऐसे ही डिप्नोई में होता है। इनमें नोटोकोड प्रेजेंट होती है, डिप्नोई में भी नोटोकोड प्रेजेंट होती है। प्रेजेंट गिल्स स्लिट होती है, इनमें भी गिल्स स्लिट प्रेजेंट होती है। ब्रिंकल से इसमें क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, तो आपका क्या है, डिप्नोई में भी ब्रिंकल रेस्पिरेशन होता है। उसके बाद इसमें लेटरल लाइन स्केल्स ऑर्गन होते हैं, इसमें भी लेटरल लाइन स्केल्स ऑर्गन होते हैं। इसके बाद एम्फीबियंस की बात की जाए तो ये सेमी इक्वेटिक होते हैं, जबकि क्या है आपका, डिप्नोई भी सेमी इक्वेटिक होता है। उसके बाद मल्टी सेल्यूलर क्या है, इसमें क्यूटिकल्स ग्लैंड पाई जाती है, इसमें भी मल्टी सेल्यूलर क्यूटिकल ग्लैंड पाई जाती है। पल्मोनरी जो लंग्स होते हैं उनसे इसमें रेस्पिरेशन होता है, तो डिप्नोई में भी पल्मोनरी लंग्स से रेस्पिरेशन होता है। पेरिकार्डियक थिन वॉल होती है, पेरिकार्डियक का आपको पता होगा, ये हम पहले भी बता चुके हैं, कार्डियक का मतलब क्या है, हार्ट से है, तो ठीक है।
उसके बाद हमारी बात आती है वेंट्रल ओर्टा, इसमें शॉर्ट होता है वेंट्रल ओर्टा, आपको पता होगा हार्ट में आते हैं, जैसे इसकी स्टडी किसमें की जाती है ओर्टा वगैरह की, हार्ट में की जाती है। तो इसमें जो जैसे डोर्सल होता है और वेंट्रल, तो इसमें वेंट्रल ओर्टा जो होता है वो शॉर्ट होता है। उसके बाद एग का डेवलपमेंट सिमिलर ऑफ डिप्नोई, इसके ही समान होता है, ठीक है। अगर बात की जाए, हमने कहा कि इन दोनों से इसकी समानता है, लेकिन कुछ तो इसमें अलग होगा इसलिए इसे इन दोनों से अलग रखा गया है। तो क्या इसमें अलग है, क्योंकि क्या है इसमें, अगर डिप्नोई में बात की जाए तो डिप्नोई में टीथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इससे आगे बात करें, इसमें टू पेयर क्या होता है, नॉस्ट्रिल प्रेजेंट होते हैं। इसमें हार्ट जो होता है डिप्नोई में थ्री चैम्बर्ड होता है, थ्री चैम्बर्ड होने के बाद फिर इसमें अगर बात की जाए, इसमें जो फिन प्रेजेंट होते हैं वो क्यूडल और एनल रीजन से होते हैं। तो कुछ इनमें ऐसा ही है, इन दोनों से हमने आपको इसकी एफिनिटीज बताई और आपको डिप्नोई के बारे में भी बताया।